हाय एवरीवन, आज से मैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है SBTE में न्यू सिलेबस में इंक्लूड किया गया है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो SBTE का जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है। और फर्स्ट ईयर वाले को जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दो पार्ट में, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो यहाँ देख लेते हैं कि ग्रुप ए में कौन सा ब्रांचेज आ रहे हैं और ग्रुप बी में कौन कौन से ब्रांचेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि ग्रुप ए में जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल हो गया, और मैकेनिकल जो कि ऑटोमोबाइल से कर रहे हैं, तो वो सारी जो है ग्रुप ए में आएंगे। और ग्रुप ए वाले को जो पढ़ना है वो क्या करना है, सेमेस्टर वन के जो सिलेबस है उसको फॉलो करना है ग्रुप ए वाले को। बाकी बचे जितने भी ब्रांचेज हैं जो कि यहाँ पे देख लीजिएगा, सिविल हो गया, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सेरेमिक, केमिकल, और भी जितने भी ब्रांचेज हैं ये सारे जो है ग्रुप बी में आते हैं। और ग्रुप बी वाले को क्या, कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, सेमेस्टर टू के सिलेबस को फॉलो करना है। तो ये दो पार्ट में इस तरह से फर्दर इसमें सेमेस्टर टू में अगर आप लोग एग्जाम देके सेमेस्टर टू में चले जाएंगे तो वहाँ पे जो सिर्फ इसका अपोजिट हो जाएगा, ग्रुप बी वाले को सेमेस्टर वन पढ़ना होगा और ग्रुप ए वाले को सेमेस्टर टू का जो सिलेबस है उसको पढ़ना होगा, ठीक है। तो नीचे जो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नोट में हम क्लियरली मेंशन कर दिए हैं कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मेरा सेमेस्टर टू के सिलेबस के अंडर आता है। तो और इसका जो है ये जितना भी सेमेस्टर टू वाले जितने भी ब्रांचेज होंगे, डेट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट ईयर में सिविल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सारे ब्रांचेज को क्या पढ़ना होगा, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और सेकेंड सेमेस्टर में जो है ग्रुप ए वाले ब्रांच, डेट मीन्स मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे ब्रांचेज को जो है वो क्या करना, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये पढ़ना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ है और सिलेबस किस तरह का डिज़ाइन किया गया है। सिलेबस जो कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि सिलेबस में जो मेन जो है अब फोकस ये रखा गया है कि आपको जो है एक ओवरव्यू, नॉर एक सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू आपको दे दिया जाएगा, बेसिक नॉलेज जो है ये दे दिया जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो गया, और जितना भी कंपोनेंट हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, और फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी इसमें ओवरव्यू एक दे दिया जाएगा ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज जो है ये यानी बेसिक फॉर्मेट जो है आपका तैयार हो जाए, ठीक है, एक बेस तैयार हो जाए यहाँ पे। और ये अलग अलग सारे ब्रांचेस को पढ़ना कंपलसरी है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि सिलेबस में जो है सिलेबस इसका जो है फुल मार्क्स कितना है, 100 का फुल मार्क्स का है, वहीं जिसमें कि 70 मार्क्स आपका इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम का होगा, और ये बाकी बचा 10 और 30, ये जो 20 टोटल 30 मार्क्स का ये आपका इंटरनल एग्ज़ाम में का होगा। सिलेबस को 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है, पहले 3 यूनिट में, फर्स्ट 2 3, ये 3 यूनिट में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, और 4 5 6 इसमें आपका इलेक्ट्रिकल के बारे में वो दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट वाले का जो यूनिट है, सॉरी, इसमें आपको पढ़ना है जो भी एक्टिव पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें कि रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, फेट, मॉसफेट, सीमॉस, इसके बारे में बेसिक नॉलेज आप लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है। फिर सिग्नल क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। या फिर सिग्नल अगर देखेंगे तो पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, ये सब इतना भी है इसके फर्स्ट यूनिट में आप लोग इसके बारे में बेसिक कंपोनेंट के बारे में इसमें जानिएगा। और सेकंड जो यूनिट है ये ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट, उसमें भी एक सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया गया है, उसमें भी देखिए यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है इस पर आपका फोकस किया गया है सिर्फ। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या क्या चीज़ करवा सकते हैं, ये सारा चीज़ जो है फर्स्ट ये सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है। थर्ड यूनिट में जहाँ पर कि यहाँ देख रहे हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो डिजिटल एरा में आप लोग रह रहे हैं उस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में यहाँ पे जानना है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी क्या, डिजिटल जो हम लोग यूज़ करते हैं, डिजिटली जो वर्ड यूज़ करते हैं 1 और 2 का, जिसको कि हम लोग रखते हैं कि बुलियन अलजेब्रा के अंदर, तो उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। फिर गेट्स कितने हम लोग यूज़ करते हैं, तो लॉजिक गेट जो है हम लोग यूज़ करते हैं, उन सारे चीज़ के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो डिजिटल बुलियन अलजेब्रा में जनरली हम लोग 1 और 0 पे हम लोग वर्क करते हैं, इसी पे जो है हम लोग सारा का सारा जो है डिज़ाइन कर लेते हैं, जितना भी है 100 तो काउंटिंग जो है ये 1 to 0 पे ही, 1 और 0 से ही हम लोग उसको लिख लेते हैं, और फिर स्टडी भी उसी पर करते हैं। तो वो सारे चीज़ जो है बुलियन अलजेब्रा में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग उसको करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है यूनिट 4, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल जो है ब्रांचेस का जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF हो गया, करंट, पोटेंशियल, पावर, ये सारी चीज़ के बारे में जानेंगे। वहीं मैग्नेटिक सर्किट है तो उसमें MMF देखेंगे क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, परमेबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ के बारे में जानेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और इंटेंसिटी का जो एक कर्व मेरा निकलता है जिसको कि हम लोग BH कर्व बोलते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में जान लेंगे।
और बी एच कर्व जो कि मेरा फोर क्वाड्रेंट में अगर बी एच कर्व को बना दे तो वो क्या कैसा मेरा लूप बनेगा, जो कि मेरा उस लूप को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट इसी यूनिट में हम लोग देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जिसका कि यूज़ हम लोग 6 यूनिट में इस इलेक्ट्रिकल मशीन के को पढ़ने में करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इस लॉ को कौन दिया था और क्या क्या बीच में वैल्यू इसमें निकलता है, ईएमएफ क्या निकलता है, तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे यूनिट 4 में। और यूनिट 5 की बात करेंगे तो यूनिट 5 में जो है एसी सर्किट जो कि फर्स्ट यूनिट में देखे थे, सिग्नल जो दो तरह का सिग्नल हम लोग देखें, डीसी सिग्नल देखें, एक सिग्नल मेरा एसी सिग्नल होता है, इसके बारे में तो हम लोग फोकस करेंगे किस पे, एसी सिग्नल पे हम लोग इसमें जनरली इस पे फोकस करेंगे। एसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, पीरियड टाइम क्या है, या फिर आरएमएस एवरेज वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट सिक्स में हम लोग ट्रांसफार्मर यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर हो गया, मशीन हो गया, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और ट्रांसफार्मर के मशीन में भी सिर्फ फोकस किया गया है डीसी मशीन मोटर पे, तो हम लोग मोटर पे ही हम लोग इस पर स्टडी करेंगे। यहाँ तक तो बात रही कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, अब बात आती है कि अगर ये सारी चीज़ हम लोग को कहाँ मिलेगा, किन कौन सा बुक हमको फॉलो करना होगा। बुक फॉलो करने के लिए हम यहाँ पे जो है मैंने एक रेफरेंस बुक के आधार पर यहाँ पर आप लोग को दे दिया गया। तो 3 रेफरेंस बुक मैंने, ये बेस्ट जो है बेस्ट बुक है, जिसमें कि एस के भट्टाचार्य हो गया और एस के भट्टाचार्य के द्वारा पियर्सन पब्लिकेशन में पब्लिश कराया गया है बुक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये नेक्स्ट है आपका डीपी कोठारी आई जे नागराज के द्वारा माइग्रो हिल में जो है पब्लिश किया गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंशन किया गया माइग्रो हिल में है, एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में ये मेरा पब्लिश किया हुआ बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। या फिर एक और जो बुक है टाटा मैग्रो हिल का एक बुक है आपका आर मोथो सुब्रमण्यम का है, तो इनका भी बुक अच्छी बुक है, ये तीनों में से किसी एक बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तीनों में इसमें बुक को डाउनलोड करना, तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है ब्रिलियंस फोरम का टेलीग्राम चैनल, उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड किया गया है ये तीनों वीडियो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।